कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ कमेंट भी मिले और कुछ पता भी चला कि क्या क्या कमियां हैं। देखिए दोस्तों, मुझको सामने पढ़ाने की आदत है बच्चों के बीच में। मैं कभी ने कभी वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाला है, तो थोड़ी दिक्कतें हो सकता है शुरुआत में आए, पर आप धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी और हमको भी आदत हो जाएगी और धीरे धीरे हम उसमें सुधार कर लेंगे। चलिए हम अपने इस सेक्शन का आगे एक इतिहास से आज के टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हुए हैं। लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे ईयर में इस उपनिवेशवाद और ब्रिटिश का जो दौर चला है उसकी बात भी बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद तथा इसके चरण। दोस्तों, हमें पहले उपनिवेशवाद से जानने से पहले हमें एक परिभाषा जान लेनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे हम आपको विश्व इतिहास में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल हमें उपनिवेशवाद से पहले उसकी एक चरण होता है साम्राज्यवाद का, उसको हमें जान लेना चाहिए। साम्राज्यवाद जब एक मजबूत राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए एवं आगे अपने हित में वहाँ आर्थिक सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया जाए तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। मतलब एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के राजनैतिक नियंत्रण और आर्थिक सांस्कृतिक सभी पर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया जाए, वो भी प्रत्यक्ष राज्य घोषित करके, तो उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। साम्राज्यवाद से मिलता जुलता प्रारूप है उपनिवेशवाद का, इसका एक मिलता जुलता प्रारूप है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं, उसका नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में किसी मात्र देश द्वारा दूर स्थित दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के शोषण के लिए राजनैतिक नियंत्रण एवं पुनः सामाजिक और राजनैतिक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। आप इसको सीधे तौर पर कह सकते हैं, उपनिवेशवाद का मूल तत्व में शोषण निहित होता है। इसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि एक उपनिवेशवाद पर राजनीतिक कब्जा बनाए रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके कुछ खास शोषण के अपने तरीके होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक उपनिवेश राष्ट्रीय उत्पादन की एक विशेष मात्रा का उत्पादन करता है, जिसका एक भाग उस उपनिवेश के रख रखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। जब हम भारत में ब्रिटिश के कैसे ब्रिटिश आए भारत में और कैसे उन्होंने पहले एक व्यापार की अवस्था थी उनकी, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे चीज़ों संसाधनों पर कब्जा करते गए, फिर उन्होंने भारत को अपना एक उपनिवेश में धीरे धीरे कैसे परिवर्तित कर दिया, तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा उसके बारे में एक पहले से थोड़ी जानकारी ले लें कि कैसे जो है औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ यूरोपीय देशों में पूंजीवादी परिपक्वता की ओर अग्रसर हुआ और औपनिवेशिक विस्तार की नीति के लिए पूंजीवादी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे उन्होंने धीरे धीरे उपनिवेश या कॉलोनियों की ओर आकर्षित होना शुरू किया। खासकर 1757 से लेके 1947 तक उपनिवेशवाद के किन किन चरणों से हम लोग गुजरे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति में शुरुआत में ये हुआ कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आ रही थी तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। व्यापार करते करते कब वो संसाधनों पे कब्जा कर लिया उन्होंने, कब उन्होंने यहाँ से कच्चे कच्चे माल, खासकर कच्चे माल के लिए कब यहाँ के लोगों को बाध्य करने लगे फिर पूरी तरह से अपने हितों को साधने के लिए, जिससे एक औपनिवेशिक राष्ट्र एक उपनिवेश पे कब्जा निरंतर बनाए रखे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उपनिवेश की प्रकृति लगभग शोषण की होती है, जिसमें एक उपनिवेश के राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक सारे हित शोषित किए जाते हैं। उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो मात्र राष्ट्र होता है उपनिवेशवाद में,
उस वो अपने यहाँ कच्चे माल तथा संसाधनों की लगातार पूर्ति बनी रहे इसके साल इसके लिए वो निरंतर प्रयास करता है। आइए हम अब इसी उसमें देखते हैं कि उपनिवेशवाद तथा इसके चरण। तो पहले हम उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ते समय हम ये देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे यहाँ हमने पहले लिखा हुआ है कि साम्राज्यवादी राष्ट्र द्वारा अधीनस्थ देश के राजनैतिक और आर्थिक तंत्र पर अधिकार। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी देश पे अपनी एक कॉलोनी या मतलब संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तब हमें वहाँ के कहीं ना कहीं वहाँ के राजनैतिक और आर्थिक तंत्र पर हमको कब्जा करने की ज़रूरत होती है। वही ब्रिटिश ने किया। फिर उपनिवेशवाद का दूसरी विशेषताओं में है कि उपनिवेश का विभिन्न स्तरों पर शोषण, शोषण के भी अपने तरीके होते हैं। पहले हम एक व्यापार करने हम यहाँ व्यापार करने आए, व्यापार करने के बाद जब हम व्यापार करने के बाद जब हम को लगा कि यहाँ पे बहुत सारे देश भी व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, तो हमें व्यापार में प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ी। तो उस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए हमने क्या किया, पहले उन लोगों को बाहर किया, फिर उन लोगों को बाहर करने के बाद हमने यहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू करना शुरू किया। राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद जब हमको ये प्रशासनिक अधिकार मिल गए कि हम यहाँ पे वसूली कर सकते हैं, कर वसूल सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम फिर अपने तरीके से लोगों को कैसे किस कच्चे माल की हमें आपूर्ति चाहिए उसके लिए हमें उनको जबरदस्ती खेती करवाने या पैदा करवाने की कोशिश की गई। तीसरा है कि उपनिवेशवाद के विकास में उस हद तक रुचि लेना जिससे साम्राज्यवादी शक्ति के अपने फायदे हो सके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साम्राज्यवाद का मेन मकसद ही यही होता है कि जो सशक्त राष्ट्र है उसके अपने हित पूरे हों, चाहे वो जैसे हों। फिर शोषण की अब होता यह है कि आप कभी भी निरंतर धीरे एक ही तरह से शोषण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये मतलब लोगों लगने लगता है कि ये तो हमारा शोषण हो रहा है और वो धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं, होते लगते हैं। इसलिए ब्रिटिश या अंग्रेजों ने शोषण के नए नए तरीके बनाना नए नए तरीके कराना शुरू किए। और उसमें उनका मेन उद्देश्य यही था कि जिससे उनके कुल पूंजीवाद लाभ जो है अधिकतम हो सके और कुछ नहीं, क्योंकि निरंतर एक ये एक प्रक्रिया थी, बस इसके अपने एक चरण बनते गए। उपनिवेशवाद स्थिति बनी रहे इसके लिए पूंजीवाद जी शक्ति को अपने हित जो थे वो साधने में कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों को जीतना शुरू किया और फिर उन पे अपना एक आधिपत्य बनाना शुरू किया। फिर इसी विशेषताओं में हम देखते हैं कि ऐसी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया जिससे उपनिवेश में कच्चे माल का स्रोत और पूंजीवाद माल का बाजार बन सके। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि हर जगह कुछ जगह किसान भारत जैसा आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे उसका शोषण होता शुरू हुआ, सॉरी 17वीं शताब्दी के बाद से ही 17वीं शताब्दी, हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ पूंजीवादी माल का बाजार बन सके। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में उपनिवेश की तीन अवस्थाओं के बीच गुजरा है। पहली अवस्था 1757 से 1813 तक, इसमें कंपनी का एकाधिकार और या जो हमने आपको बताया है कि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे वो अपनी जगह यहाँ पैठ बना रही थी और बाकी देश की कंपनियों को वो यहाँ से भगा रही थी। दूसरा 1813 से 1860 तक है जिसमें उसने औद्योगिक पूंजीवाद का सहारा लिया। तीसरी अवस्था जो सबसे लास्ट की अवस्था है उनकी है 1860 से 1927 तक, इसमें वित्तीय पूंजीवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उपनिवेशवाद के भारत में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, इससे ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदा हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, प्रथम अवस्था में हम 1757 से 1817 के बीच प्लासी के युद्ध के बाद से जो ये पूरी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश उपनिवेश की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत, जैसा मैं बताया, हम बता चुका हूँ कि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया और लगभग लगभग उसमें कामयाब भी रहे। उनको बहुत सारी जगहों से लगान वसूलने का एक अधिकार मिल गया। उसके साथ बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आ रही थी, अब अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि इन व्यापारिक कंपनियों को देश से बाहर निकालना और अपना भारत पे एकाधिकार करने की कोशिश करना। उस समय भारत की अगर बात करें तो उस समय भारत एक राष्ट्र न होकर मात्र एक भौगोलिक इकाई मात्र था, क्योंकि मुगल बादशाहों का पतन लगभग लगभग हो चुका था। धीरे धीरे वो एक मतलब यहाँ से लगभग लगभग पतन होने की अवस्था के आखिरी चरण में लोग गुजर रहे थे। उसके कुछ कारण थे, क्योंकि मुगल बादशाहों द्वारा राजकीय सामंतवाद या स्थानीय सामंतवाद को बढ़ावा दिया गया, जिससे मुगल शासन लगभग लगभग पूरी तरह कमजोर हो गया और भाड़े के सैनिकों की व्यवस्था ने पूरी तरह से मुगल शासन को नष्ट कर दिया। उसके कुछ व्यापार आर्थिक कारण भी थे, जैसे मुगलों ने गांवों में कोई मुगलों ने गांवों के उत्थान के लिए कोई प्रयास ज़्यादा नहीं किए, वो अपनी अवस्था में बने रहे। फिर भी अगर देखें तो अभी भी उत्पादन की मेन इकाई गांव ही थी, पर बहुत सारे नए व्यापारिक शहर पनप रहे थे, जिनमें क्या कहते हैं, व्यापार के केंद्र के रूप में वो सामने आए। मुगलों के पतन के बाद स्थानीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, जो व्यापारी वर्ग के नियंत्रण में मुख्यतः काम करते थे। आप जानते हैं कि ब्रिटिशों का उद्देश्य एक वही था जो एक व्यापारिक कंपनियों का होता है, इसलिए उन्होंने उन सारे हथकंडों का प्रयोग किया जिनसे वो भारत पे एकाधिकार कर सकें। जिससे इसी चरण में उन्होंने सबसे पहले अपनी नौशक्ति का सहारा लिया, जिससे उन्होंने फ्रांस हॉलैंड से लड़ाइयाँ लड़ी और उनको बुरी तरह से हराया और उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया। इस चरण में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो भारतीय हथकरघा और शिल्पकला और यहाँ के सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योगों को हुआ। जो आत्म केंद्रित गांव थे उन पर डायरेक्ट चोट इन व्यापारिक या ब्रिटिशों ने चोट पहुँचाई। अब इसी इसमें हम बात करते हैं, प्रथम अवस्था में अगर हम प्लासी के युद्ध के बारे में जो बात कर चुके हैं, तो देखते हैं प्रत्यक्ष यहाँ पे विनियोग मतलब प्रत्यक्ष व्यापार के एक सीरीज में उतरे। तो पहला हम बता चुके हैं कि व्यापार एकाधिकार कि कोई अन्य मुकाबला ना कर सके, इसलिए सत्ता पे कब्जा करना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस चरण पे काम किया। दूसरा, भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व नियंत्रण, क्योंकि बहुत जरूरी था कि अगर भारत अंग्रेज भारत पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो उनको अधिकतम राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। अगर अधिकतम राजस्व की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो वो अधिकतम माल नहीं खरीद सकते हैं, और जो जो उनको दुनिया के बाजारों में बेचना है उससे वो अधिकतम मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजस्व की प्राप्ति करने के लिए विजय अभियान शुरू किया और उन्होंने भारत में धीरे धीरे करके बंगाल बिहार उड़ीसा पर धीरे धीरे करते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। अगर हम प्रथम अवस्था की विशेषताओं की बात करें, तो कंपनी ने जो राजनैतिक विजय का अभियान शुरू किया था उसका मात्र एक ही उद्देश्य था कि राजस्व एक अधिकार उनको प्राप्त हो जाए, जिससे कंपनी भारतीय व्यापार में विनियोग करे और मैक्सिमम कर सके, मतलब अधिकतम मात्रा में कंपनी का व्यापार भारत में हो सके, इसलिए राजस्व यहीं से इकट्ठा किया जाए। फिर जो राजस्व इकट्ठा किया गया उसमें भारतीय उत्पादकों के निर्यात में इस मतलब तो वृद्धि हुई, क्योंकि जो माल
अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे पैदा करवाया जाता था, उससे यहाँ के उत्पादकों में तो वृद्धि हुई, परंतु इसका लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाया। उसका मेन कारण यही था कि कंपनी के अपने हित थे और वो अपने उपयोग की वस्तुएं ही कृषि में पैदा करने दे रहे थे, या अपनी उपयोग की वस्तुओं को ही अपनी उपयोग की वस्तुओं का ही प्रयोग करने के लिए बाध्य कर रहे थे, या किसानों से वही पैदा करवा रहे थे। अगर हम इस समय के प्रशासन, न्याय व्यवस्था, प्रबंधन आदि पर हम बात करें, तो कंपनी द्वारा इस पर कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए। जो मुगलों द्वारा बनाया गया था उसी पर वो उन्होंने चलने दिया। हाँ, पर तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर वो करते गए कि स्थानीय कार्य कुशलता पे उन्होंने ध्यान दिया, और नीचे लेवल से उन्होंने, मतलब एक गाँव के स्तर से लेके बड़े स्तर तक उन्होंने एक साथ इस पर काम किया। हस्तकला और शिल्पकला पर पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रधन का एकमात्र सहारा कृषि ही बचा। अब गांव के एकमात्र आय का साधन कृषि ही रह गया, जिस कारण भारत में गरीबी का एक जो दुष्चक्र है वो यहीं से शुरू हो जाता है। कंपनी लगान के पैसों से व्यापारिक वस्तुएं यहाँ से खरीदती थी और दुनिया के बाजार में उसको बेचकर उसका बहुत सारा मुनाफा कमाती थी। इसी चरण में उनको जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, उनकी औद्योगिक क्रांति को हुआ, जो औद्योगिक क्रांति एक स्लो अवस्था में या एक निम्नावस्था से गुजर रही थी, अचानक से उसने एक हाइप लिया और वो अपने एक मैक्सिमम स्थान पे, या कहें कि अधिकतम ऊंचाई पर वो पहुंच गई, और एक सख्त ब्रिटिश एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद की श्रेणी में आगे बढ़ गया। अब हम अगर अब इस पर बात करते हैं कि कैसे भारत में ब्रिटिश कंपनी की विजय संभव हो पाई, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमको ये देखना होगा कि क्या कारण थे कि भारत में इतनी जल्दी अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत पे एकाधिकार कर लिया, फिर भारत पे कब्जा कर लिया, फिर उसका पूर्णतः एक अपना एक अधिपत्य स्थापित कर लिया, जो बाकी शासक या बाकी जैसे मुगल सल्तनत काल के जो प्रशासक रहे हैं वो नहीं कर पाए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक लाइन यहाँ पे दिमाग में आती है कि भारतीय जो भी अरब आए, तुर्क आए, तातर, मुगल या जो भी आए, उन्होंने इतिहास के एक शाश्वत नियम के तहत ही भारत में जैसे एक पारंपरिक शासन की व्यवस्था थी उसी पहलू को अपनाया, कोई नयापन नहीं लाया। अंग्रेज पहले विजेता थे, उनकी सभ्यता श्रेष्ठ थी, ये पूरी दुनिया में एक व्यंग कहा जाता है कि उनकी श्रेष्ठता श्रेष्ठ थी, इसलिए वो स्थानीय भारत में आके स्थानीय सभ्यताओं के अंदर सिमट नहीं सके, क्योंकि वो भारत से अपने को अलग मानते थे, जबकि मुगल या उससे पहले के जो भी प्रशासक रहे हैं उनके आने के बाद वो यहाँ के हो गए और यहीं पे होके रह गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के चीज़ों को अपना लिया और कुछ अपनी चीज़ों को यहाँ दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा इससे हट के अलग काम किया। अंग्रेजों का मेन काम यही था कि उन्होंने भारतीय सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की और स्थानीय मूल्यों को चोट पहुंचा के उन्होंने भारत में एक ऐसे पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जो पूरे संसार में एक नई थी, जो मुगल या बाकी जो शासक या बाकी जो साम्राज्य थे वो नहीं कर सके। अगर भारत की इसमें बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ठीक वही थे जो एक व्यापारिक कंपनी के होते थे, लेकिन ये मूलतः गलत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने भारत में पैर पहनाना, हो सकता है कि पहले वो व्यापार करने आए थे, फिर उनको लगा कि यहाँ हम अधिकतम व्यापार करने के उद्देश्य से हमको यहाँ पे कब्जा करना चाहिए या यहाँ पे अपना एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, इसी उद्देश्य से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। तो इसी अवस्था में हम इसकी दूसरी अवस्था के बारे में अब बात करेंगे विस्तार से, आइए देखते हैं।
अब दूसरी अवस्था हम देखते हैं जो 1813 से 1860 तक औद्योगिक पूंजीवाद, इस काल को औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दिया गया। इसमें पहला देखते हैं कि भारत तथा ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन तथा व्यवस्था बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। 1813 में औद्योगिक क्रांति लगभग लगभग संपन्न हो चुकी थी। ब्रिटेन में एक नए उद्योगपति वर्ग का उदय हुआ था जो राजनीति में को प्रभावित करने की स्थिति में था, और वो प्रभावित करना उसने शुरू कर दिया था। अब समस्या ये थी कि जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त करने पर जो नया उद्योगपति वर्ग आया उसने अपनी एक आपत्ति जताई, और आपत्ति जताई तथा उसमें सफलता भी पाई। इसी के तहत 1713 फिर 1813 में चार्टर द्वारा कंपनी का भारत पे एकाधिकार खत्म किया गया। पर यहाँ ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंपनी का भारत पे एकाधिकार समाप्त किया गया, पर केवल अब ब्रिटिश हो वो व्यापार कर सकते हैं, पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। इस काल को हम मुक्त व्यापार काल का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें एक पूंजीवादी लक्ष्य घोषित किया गया जिनको पूरा करने के लिए जो हो सका वो अंग्रेजों ने भारत में किया। उसके पहले उन्होंने पहला ये काम किया कि जो नवोदित उद्योग को बढ़ाने के लिए कच्चे माल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भारत में किसानों से अपने अपनी वस्तुओं को उगवाना, और अपनी जो वस्तुएं उनको कच्चा माल प्राप्त करके इंग्लैंड के मार्केटों में या ब्रिटिश में बाजारों में खपाना था, उनका पैदावार यहाँ बढ़वाने की कोशिश की। इसी चरण में सबसे ज़्यादा जो झटका लगा, क्योंकि भारत में समृद्धि के दो सबसे बड़े कारण जो लगभग लगभग प्राचीन काल से अब तक रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सूती कपड़ा और हथकरघा रहा है। उसमें पहला प्रयोग उन्होंने सूती प्रयोग किया, सूती पर या कपड़ा पर प्रहार किया। इसमें होता यह था कि भारतीय निर्माताओं के साथ भेदभाव उन्होंने करना शुरू कर दिया। भारतीय वस्तुओं का यूरोप के मार्केटों से निष्कासित करने के इन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसके लिए उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। मुक्त व्यापार की नीति में अधिकतम लाभ कमाने के लिए ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं को मुक्त कर या कम करना, अंग्रेजों ने एक काम किया कि जो भारत में वस्तुएं जो बन के आएंगी उन पे कर मुक्त रखा जाए या उसको कम कर दिया जाए। पर ये एक मार्गी था, जो भारत से बन के ब्रिटेन में वस्तुएं या यूरोप में वस्तुएं जा रही थी उनमें अधिकतम कर रखा गया, जिससे उनकी वस्तुएं ब्रिटिश मार्केट या यूरोप के बाजारों से पूर्णतः खत्म हो सके और उनको वहाँ भी अपना सामान बेचने का मौका मिले। मतलब एक तरह से प्रतिस्पर्धा खत्म करके एक मार्गी रास्ता अपनाया गया, और पूरी तरह से भारतीय निर्माताओं या भारतीय जो उद्योगपति थे उनकी तरह उनके ऊपर पूरी तरह से शोषण किया गया। दूसरी अवस्था में हम पाते हैं कि अब प्रशासन व्यवस्था में कुछ नवीन सुधार करने पड़ेंगे जिससे उनका अपना भला हो सके। ये बात हमको ध्यान रखने की हमेशा ज़रूरत है कि ब्रिटेन ने भारत में वही किया जिससे उनके हित पूर्ण हो सके। इसी चरण में इन्होंने भूमि बंदोबस्त पर ध्यान दिया, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन व्यवस्थाओं का प्रयोग किया। प्रशासन तथा आर्थिक नीतियाँ, प्रशासन में उन्होंने सुधार किया, जैसे कार्नवालिस ने आके भारत में पुलिस प्रशासन और एक प्रशासनिक और राजनीतिक दो अलग अलग हिस्सों में बांट के सुधारने की कोशिश किया। फिर स्थानीय नहरों तथा रेलवे का उन्होंने 1853 में लगभग भारत में इस चरण में वो लेके आए। उनका मूल उद्देश्य वही था कि उनके कच्चे माल कैसे बंदरगाह तक पहुँचें। मतलब कहने का मतलब यही है कि भारत में ब्रिटिश ने वही काम किया जो उनके हिस्सा सकें। फिर आर्थिक लेन देन को आसान बनाने के लिए उन्होंने आर्थिक डाक व्यवस्था तथा बहुत सारी रोडों का, बहुत सारे पुलों का निर्माण करना शुरू किया, जिससे उनके व्यापार में कोई बाधा ना पहुंच सके और भारत जैसे विशाल देश में वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। इसी चरण में
क्योंकि भारत एक विशाल देश था, उसको संचालित करने के लिए अंग्रेजों के पास इतनी मानवीय शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत में लगभग लगभग फैल सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही ऐसे लोगों को तैयार करें जो हमारे जैसे हों, या हमारी भाषा बोल सके, या हमारे तरीके से सोचते हों, मतलब वो रंग रूप से भारतीय हों पर हमारी सोच विचार हमारे जैसे हों। तो इसलिए उन्होंने इस आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने का भी प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि दूसरे चरण में लगभग ब्रिटिशों ने भारत में शोषण के तरीके को अपनाने के साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव की और निर्माण कार्य की एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि उनके उद्देश्य अपने थे व्यापार कमाने के, फिर भी उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतवासियों को भी मिला। अब प्रभाव में देखते हैं कि भारतीय समाज का पश्चिमीकरण शुरू हो गया, क्योंकि पश्चिमीकरण इसलिए शुरू हो गया क्योंकि भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का एक बाजार में परिवर्तित करना यह लगभग लगभग पूर्ण हो चुका था। दूसरा मेन प्रभाव था कि पश्चिमी सभ्यता के वाहक ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में शासन करने का नैतिक आधार प्रदान करने का उनको हक मिल गया, जिससे दुनिया के लोग सोचने लगे कि भारत एक अंधकार से ग्रस्त देश मतलब था, जहाँ पे कुरीतियाँ, बहुत सारे तकनीकी का अभाव और शिक्षा का अभाव और धार्मिक मतलब आपस में टकराव ये बहुत था। इसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया में ब्रिटिशों ने ऐसा छवि बनाई कि हम भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं गए हैं, हम वहाँ के लोगों का हित भी चाहते हैं, इसीलिए हम वहाँ के नवनिर्माण या निर्माण में सहायक बन रहे हैं, जिससे उनका भी भला हो रहा है और हमारा भी भला हो रहा है, जबकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। आइए हम उसकी अब तीसरी अवस्था में देखते हैं, या कल देखेंगे क्योंकि इस टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हम आपको इन दो उपनिवेशवाद और दोनों चरणों पे एक क्वेश्चन बना के देते हैं, जिसका आंसर आप लोग लिख के तैयार रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। देखिए, इसको आपको 200 वर्ड में इसको लिखना है। ध्यान ये रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का जवाब दीजिएगा, फालतू बातें मत लिखिएगा। जैसे उपनिवेशवाद क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद भारत में कैसे पनप सका, क्या भारत में उपनिवेशवाद तत्व तो पहले से मौजूद थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप उपनिवेशवाद के बारे में बताइएगा कि उपनिवेशवाद होता क्या है, फिर भारत की स्थिति का वर्णन करिएगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, फिर आप जो सवाल का मेन क्वेश्चन है कि क्या उपनिवेशवाद तत्व तो पहले से मौजूद था, तो आपको ये बताना होगा कि उपनिवेशवाद कैसे मतलब पनपा भारत में, और कैसे जो यहाँ पे उस समय स्थानीय शासक थे या जो मुगल थे, वो कैसे मुगलों ने कैसे इस उपनिवेशवाद को बढ़ने में सहायता प्रदान की। बस आपका क्वेश्चन सीधा 200 शब्दों में ही ड्रॉ कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और लोगों को बताइएगा, और इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। थैंक यू।